जीवन में वचन को बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना बहुत कठिन होता है। तो इन्होंने वो चीज करके दिखाई। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, और बिशप साहब हमारे बीच में है तो उनका धन्यवाद हो, कल से इनसे मुलाकात रही, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छी वर्षिप के लिए कि आज बहुत अच्छी वर्षिप हुई। और आप सबके लिए धन्यवाद, पानी साहब के लिए धन्यवाद। मैं तो चाह रहा था कि आज मंजी पत्नी भी आती, पर आई क्या कोई बात। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सब तरह के लोग यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, और इसलिए सबके लिए संदेश है, सबको ध्यान से सुनना है। परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देना चाहते हैं। एक चीज जो मैं अपने बीबीएस के बच्चों को सिखाता हूँ, और जब मैं यहां से कहूंगा हेलो, तो आप सबको कहना ओ यस। क्या कहना है? मैं यहां से हेलो कहूंगा तो आपको कहना ओ यस। तो ये बच्चों में तो मुश्किल नहीं है, बच्चे तो बहुत यानी थोड़े भी रहेंगे तो बुझा देते। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करके देखेंगे थोड़ी सी। हेलो बताया गया है,
ये सब चीज क्या है। उन जैसे बीच की आती आती किस आरती आती हो उन जगह पे किसी बात की मालूम पंडित साहब क्या मतलब ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश भक्त जनों के संकट क्षण में। अब आपको मालूम है कि ओम है ओम का मतलब क्या है, ओम का मतलब क्या है, है? ओम तो लिखा हमने सब जगह गाते हैं ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश भक्त जनों के संकट क्षण में। पर ये है क्या ओम का मतलब होता है शब्द, ओम का मतलब शब्द होता है। संधि विच्छेद करके देखना ओम जय ओम की जय जिसने शब्दों से बोलकर जगदीश का मतलब जग प्लस दीश जिसने जग की रचना की है ओम शब्द जग दीश ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश जिसने शब्दों से बोलकर इस सृष्टि की रचना की है उसकी जय हो। हेलो ओम जय जगदीश की जो आरती है इस बात को दर्शाती है ओम ओम मतलब छुपा हुआ रूप उसके दाल लेकर आए हैं। लोगों ने उसको आज तक स्पष्ट नहीं किया है लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है ओम की जय करो जिसने जग को बनाया जिसने सृष्टि की रचना की है उसको उसकी जय करो उसकी जय करो। कुरान में लिखा है बाइबल में लिखा है और बाइबल का है 1600 वर्षों में लिखी गई है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई इसमें जो कुछ लिखा है वो सत्य है जो आज भी पूरा हो रहा है। हम रात में बिशप साहब साथ बैठे थे और देख रहे इसराइल के पीछे सारे लोग पड़े हैं छोटा सा देश है छोटी सी स्त्री उनकी जब यीशु मसीह दुनिया में आया वो यहूदियों के परिवार में पैदा यहूदी धर्म में पैदा हुआ और यहूदी धर्म में पैदा होने के बाद क्या होता है उन यहूदियों ने ही उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। पुराने नियम को इस बाइबल के दो हिस्से है नया नियम और पुराना नियम। पुराने नियम को मानने वाले लोग थे और उन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ा। जब पिलातुस ने कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं मैं तुम्हारे लिए बड़ा बात को छोड़ देता हूं तब उन्होंने क्या कहा नहीं हमारे लिए यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ। इसी तरह बड़ा को क्रूस पे चढ़ाने की बात कही लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमारे लिए यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ क्योंकि उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर होगा। ये उन्होंने इस सृष्टि के जब ये चला यीशु मसीह के समय तब से लेकर आज तक उन्होंने ये मांगा और यहूदियों क्या हुआ पता है इसराइल देश संसत्तर में ही सारे लोग सारे यहूदी अपना देश छोड़कर सारी दुनिया में तितर बितर हो गए सारी दुनिया में तितर बितर हो गए क्योंकि उन्होंने मांगा था इसका लोग हम पर और हमारी संतान पर होगा। जो उन्होंने मांगा उनको मिला लेकिन वो खुदा की जाति रही खुदा से प्यार करता रहा परेशानी में भी कठिनाई में भी जब उन्होंने पुकारा तब उसे इस देश में गुलामी में थे लोग उनको सता रहे थे परेशान थे कठिनाई में थे जब उन्होंने दिल की गहराई से पुकारा खुदा ने सुना और जब खुदा ने सुना तो मूसा से जंगल में बात की और जंगल से मूसा से दर्शन देकर उसको इस देश में भेजा कि जा मेरी प्रजा के लोगों को छुड़ा कर ले। उन्होंने जो मांगा उसको मिला लेकिन 1948 में ये सी आप देख लेना आजकल हमारे पास मोबाइल है 1948 में फिर से ये इजराइल देश एक जगह इकट्ठा हुआ और इससे पहले क्या किया गया फिलिस्तीनियों ने सारे देश को मंदिर को तहस-नहस कर दिया उनकी जमीनों को ले लिया सब कुछ लेकर अपने कब्जे में कर लिया। इसलिए झगड़ा इसका भी झगड़ा नहीं है एक और झगड़ा इसमें
परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी अब्राहम से, ये कहा था मैं तुझे तेरी नीच प्रजा को संतान दूंगा। लेकिन क्या हुआ, 12 साल के इंतजार करने के बाद सारा ने कहा कि परमेश्वर हो सकता नहीं देगा, तो ये काम कर, मेरी एक दासी है इसके साथ शादी कर ले, उससे जो संतान होगी वो संतान हम सोचेंगे। ये परमेश्वर ने कहा। कई बार हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी सामर्थ्य और शक्ति को लगाते हैं, तो वहीं से गड़बड़ी चालू हो जाती है। और उस दिन से जब से सारा पैदा सारा के प्रेग्नेंट हो हाजरा प्रेग्नेंट हुई, तब से लेकर हाजरा में और सारा में परेशानी खड़ी हुई, परेशानी खड़ी हुई। हाजरा को घर से निकाला, उसके बाद जो परमेश्वर का अपनी दासी की अधीनता में रहे और वहां रही, यानी फिर परमेश्वर ने 25 साल के बाद उसको एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक था। बेटा परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा किया हुआ था, उसने आज जो फिलिस्तीन में और इज़राइल में जो झगड़ा है वो पैलोटे का झगड़ा है। ध्यान सुनना, कुछ मुस्लिम भाई ने हमारे पीछे है ना, इसलिए बता रहा हूं जो झगड़ा है वो किसका है, इस्माइल का और इसहाक का। वो कहते हैं पहले का तो हमारा है, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ, खुदा ने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को उसने 25 साल के बाद पूरा किया। जब हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं तो झगड़े चालू हो जाते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। लेकिन मैं आपको लाना चाहूंगा उसी चीज पे, जहां मैं भूल गया हूं तो आप जरूर बताएंगे, या मैं छोड़ दिया तो आप बताएंगे जहां शुरू किया था। शुरू किया था हमने संडे की, ये छोटी सी मैंने हिस्ट्री बताई आपको क्या है, ये हमारे परिस्थिति है। लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने शब्दों से बोल कर, ये मेरी बाइबल बताती है, आपके पास बाइबल है, आप उसको लेकर देखे, पढ़ के देखे। मैं किसी पर दावा करता हूं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को कितने दिन में बनाया, 6 दिन में। अभी बिशप साहब ने बताया था 7वें दिन विश्राम कर, 7वें दिन विश्राम कर। लेकिन जो कुछ आपके सामने दिख रहा है ये सत्य है, बाइबल आपके सामने बता रही है कि जिसने शब्दों को बोलकर इस सृष्टि की रचना की है वही है जय करने के योग्य, वही है आराधना करने के योग्य। उसी की आराधना करो, उसी की आराधना करो। हिंदू लोग भी कहते हैं, मुस्लिम भी कहते हैं, क्रिश्चियन तो कहते ही है, सब लोग इस बात को कहते हैं। आज जो हमारे सामने दिख रहा, जो आप कर रहे हैं बचपन से लेकर इस संसार में पैदा होने से लेकर और आज तक जो भी आप करते हैं वो सब इस बाइबिल के अनुसार करते हैं, जिसको हम बहुत बार नकारते हैं, जिसको नकारते हैं। इसलिए प्रियो ये वचन आज मेरे आपके लिए इस बात को लेकर आया है ताकि हम जाने कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय को आप देखेंगे, 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। पहले दिन परमेश्वर ने रात दिन को बनाया, एक एक चीज लिखी उसमें, ये 1600 सालों में लिखी गई है और आज वैसे की वैसी है। सारी दुनिया में लोग आज 95% लोग इसको मानने वाले लोग हैं। इस सच्चाई को आप ठुकरा नहीं सकते हैं, ये सच्चाई आज मेरे आपके सामने है। पहला दिन परमेश्वर ने बनाया, ये पृथ्वी बेदौर पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, अंधकार था, कुछ नहीं था। परमेश्वर ने बोलकर, परमेश्वर ने कहा पहले दिन बोला कि अंधेरा हर दिन अलग अलग होता है, उजाला। वही चीज पहले दिन क्या बना, कोई पढ़ने का मेरे पास पहले दिन बहुत जल्दी से मैं इसमें टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। पहले आदि में परमेश्वर ने और सुनसान करेंगी और गहरे जल के ऊपर, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था जी। अर्थात परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर
परमेश्वर ने कहा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? उज्जैन ने कहा, ओम ने कहा, कि ओम ने कहा, क्या कहा? उज्याला हो, उज्याला हो, तो उज्याला हो गया, उज्याला हो गया, और परमेश्वर ने उज्याला को देखा कि अच्छा है, परमेश्वर ने उज्याले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उज्याले को अंधियारे से अलग किया, परमेश्वर ने उज्याले को अंधियारे से अलग किया। पहले दिन में क्या करना? आज ऐसे ही है क्या? ऐसे है क्या? दिन का निकलता है, अंधेरा जाता है, सूरज निकलता है, तब क्या होता है पंडित साहब? उजियाला आ जाता है, अंधकार चला जाता है। जो परमेश्वर ने, बाइबल के परमेश्वर ने कह के बोला कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, अंधकार चला गया। उससे परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया? दिन और रात बनाया। सब लोग बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आज कहते हैं ये दिन है, ये रात है, रात होगी दिन हो गया। सब लोग इस भाषा को बोलते हैं, बाइबल की भाषा सारे लोग बोलते हैं। उसमें प्रियो परमेश्वर कहता है कि ओम ने कहा है, कहा, और तो पहले दिन में क्या हो गया? उजियाला हो गया। आगे, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर बोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन, इस प्रकार पहला दिन हो गया। आप गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 दिन का सप्ताह होता है। हर रोज आप गिनते हैं, यहाँ पहले दिन हो गया। परमेश्वर ने क्या बना दिया? दिनों रात बना दिया। सारी दुनिया के लोग, चाहे वो कुछ भी कहते हैं, सब इस भाषा को बोलते हैं, और ना कोई भाषक बोलते हैं, जो कुछ इसमें लिखा है सब कुछ वो करते हैं। 6 पद बोल। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर कहा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब बना दिया, फिर दूसरे दिन, फिर परमेश्वर ने कहा, फिर ओम ने कहा, ओम ने कहा, क्या कहा? जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। जल के बीच, सारी पृथ्वी के ऊपर जल था, उनके बीच ऐसा अंतर हो जाए कि जल दो भाग हो जाए। कैसे करेंगे दो भाग? तब परमेश्वर ने कैसे करेंगे इस चीज के दो पार्ट करने? कैसे करेंगे? नीचे जल है, कैसे पार्ट करेंगे? आज भी सब कुछ होता है। परमेश्वर ने नीचे के जल और ऊपर के जल, ऊपर क्या है? पानी है क्या? अभी बारिश हुई, कब से होगी? कहां से आ रही है? बादल ऊपर से आ रहा है। और जब ये पूरी बारिश आने लगती तो पूरी पृथ्वी को तहस नहस भी कर देती है। कितना परसेंट इस पृथ्वी पर पानी है? 70%। ऊपर तो 100%, ऊपर कितना? 100% है, क्योंकि दोनों का आधा आधा किया, आधा ऊपर आधा नीचे। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने कुछ और बनाया, इसलिए परमेश्वर कह रहा है, उस गहरा में नहीं जाऊं, पर आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये आकाश बना। आमीन। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। हेलो, यस, हेलो, यस। पहले दिन क्या बना? उजाला, दिन और रात बना। दूसरे दिन आकाश बना। दिख रहा आकाश सबको? सारी सृष्टि के लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को ये तीन शब्द बराबर घटे हुए बराबर के सामने है। आप कभी भी इसको नकार नहीं सकते हैं कि ऐसा नहीं। फिर परमेश्वर ने 6 पद में क्या, ये तो हो गया, 9 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई, सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। वैसा हो गया। नीचे का पर्दो इस प्रकार ईसाने 30 दिन में, 30 दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? समुद्र बनाया, पृथ्वी बनाई, हरी घास बनाई, छोटे पेड़ बनाए, फल बनाए, 3 चीजें अलग अलग बनाई। और 30 दिन परमेश्वर ने ज्यादा काम किया, 30 दिन परमेश्वर ने ज्यादा काम किया। अब चौथे दिन में आया, फिर 14 पद से आप
फिर परमेश्वर ने कहा जो शब्द हमने शुरुआत की थी कि जिसने शब्दों को बोलकर इस सृष्टि की रचना की है जो आपके सामने है 14 पद एक अध्याय का 14 पद फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो दिनों और वर्षों के कारण हो ऐसे ये सब क्या मसीह की हेलो हेलो ऐसा है क्या दिन रात जब बने और आज चिन्हों के अनुसार दिन के अनुसार वर्षों के अनुसार सब कुछ एक एक चीज डिफाइन की गई है इसमें परमेश्वर ने हम लोग इसको पढ़ते नहीं हैं लोग इसके पास नहीं आते हैं ये वचन आपको सारा भर देगा ये वचन आपके जीवन को पूरी तरह से हिला देगा और जब आप इस चीज को करते हैं मैं हिंदू में जाता हूँ आरती के वहीं से शुरुआत करता हूँ कहाँ शुरुआत करता हूँ आरती से ओम जय जगदीश स्वामी मैं तो कभी सुनता नहीं था एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था जब ये शब्द मेरे कानों में आया कि ओम है क्या ओम जय ओम की जय जगदीश जिसने जग को बनाया उसकी जय करो अरे ये तो बाइबल में स्पष्ट नहीं था और तब से लेकर मैंने इसको बोलना शुरू किया जब आप सुबह जाते थे सुबह में जा रहा था कि मेरे कानों में पहली बार हम तो कहते हैं नहीं ये तो वचन भरा पड़ा है इनके पास तो वचन है और यदि पूरी आरती देखेंगे तो पूरी आरती में आप ये संकट भी वो मुक्त करता है ये शब्द जो है ये हमारे जीवन को बदल देता है और परमेश्वर मेरे आपके जीवन में बड़े काम कर फिर 20 पद को भी पढ़ते फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़े इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के सब जो आपको पक्षी दिख रहे हैं ये जो समुद्र में मछलियां दिख रहे हैं कितना व्यापार होता है सब कुछ कौन से दिन मनाया पांचवें दिन मनाया परमेश्वर ने पांचवें दिन ये सब कुछ बनाया आप छठा दिन मनाया क्या लेंगे आपका दिन रात बन गए आपका आकाश बन गया आपके समुद्र बन गया पृथ्वी बन गए आपके साथ क्या हो गया छोटे पेड़ बन गए हैं उसके साथ घास जीव जंतु मछलियां सब कुछ बन गए हैं अब क्या बन गया क्या बताएगा क्या बच गया मनुष्य और मनुष्य लगेगा छठे दिन परमेश्वर ने जानवर को और मनुष्य को बनाया छठे दिन परमेश्वर ने ये डिफाइन कर दिया 24 पद को फिर वही चीज जो ओम की बात कही गई है ओम ने फिर बोला जिसने बोल के सृष्टि की रचना की है अब छठे दिन में क्या लिखा फिर परमेश्वर ने कहा क्या कहा फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी एक जाति के पहली चीज जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु अर्थात आप घर में क्या पालोगे आज जो पालते हैं भैंस पालते हैं बकरी पालते हैं जो कुछ आप घर में पाल रहे हैं परमेश्वर ने पहले से डिफाइन करा इस बाइबल में लिखा है कि आप बकरी पाल सकते हो आप भैंस पाल सकते हो आप गाय पाल सकते हो जो उसमें घरेलू पशु जो है उसको आप पाल सकते अर्थात घरेलू पशु आगे और रहने वाले जंतु जो नहीं कर चलते हैं वो जंतु बनाए हैं आज आपके सामने है आगे पृथ्वी के वन पशु केवल परमेश्वर ने आज्ञा दे रखी है वन पशु जो है जंगल में ही रहेंगे घरों में जहाँ लोग जाते खा नहीं आएंगे आते क्या हेलो हेलो सच्चाई है क्या बोल भी सच्चाई बोलने के तो ग्रंथ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते सच्चाई को छुपा नहीं सकते परमेश्वर ने कहा और ये हो गया
परमेश्वर मेरे आपके चुन ले प्रियो, ये बड़ा काम करना चाहता है ताकि आप परमेश्वर की महिमा करते जाए और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाए। फिर आप आ जाएंगे इसी में दो अध्याय के साथ पढ़ना है, दो अध्याय के साथ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। सब कुछ बदल गया। देखना, आप जो बने हैं, आप जो यहाँ बैठे हैं, आपके बनाने में परमेश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। आपको ऐसे ही नहीं बनाया, पहले इंसान को बनाया परमेश्वर ने। आदम को किससे बनाया? भूमि की मिट्टी से बनाया। और क्या किया? और उसके नखनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उसके नखनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। सब कुछ दिखाई, छह दिन में सब कुछ बना। छह दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। जो सवाल किया था उस सवाल का उत्तर आपको दो अध्याय के पहले पद में मिलेगा। यू आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। पृथ्वी की सारी चीजों का बनाना समाप्त हो गया, जो आज आपके सामने मनुष्य लेकर, जानवर से लेकर, पक्षी लेकर, सूरज चांद सितारों से लेकर सब कुछ आपके सामने आ गया। सब कुछ बन गया, यो सब कुछ हो गया। ये किसने किया? परमेश्वर ने किया। मनुष्य बना दिया और मनुष्य बना के फिर क्या कहता है? तीन दिन के लिए, तीन कामों के लिए संडे का दिन, तीन कामों के लिए आगे बढ़े। सातवें दिन क्या किया परमेश्वर? और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त। और परमेश्वर ने, मैं ओम कहता हूं, ओम ने अपना काम कब किया? सातवें दिन समाप्त किया। सातवें दिन में क्या किया उसने? देखिए आगे, उसने अपने किए हुए सारे काम से पहला है विश्राम किया। आज का दिन किसका दिन है? विश्राम का दिन है। लोग से पूछते हैं साहब, अंग्रेज लोग करके चले गए, अंग्रेजों को तो यहाँ आए 550 साल हुए, अंग्रेजों को यहाँ आए 550 साल हुए। ये तो सृष्टि के आरंभ से जब ये दुनिया बनी तब से ये सातवां दिन विश्राम का दिन, सातवां दिन विश्राम का दिन। इसलिए ये परमेश्वर ने बनाया और इसके लिए मनुष्य के लिए फायदेमंद बनाया। क्या बनाया? विश्राम करने के लिए। आप छह दिन काम करते हो, छह दिन स्कूल में बुलाते क्या होता है? संडे को पढ़ाई होती है? नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस में छुट्टी होती है। क्यों साहब, क्यों होती है? इस बारे को मानते हैं। बाइबल ने कहा है सातवां दिन विश्राम का दिन है और इसलिए सब लोग आज विश्राम का दिन मानते हैं। पाकिस्तान ने फ्राइडे को मनाया, पाकिस्तान ने क्या किया? फ्राइडे को छुट्टी का दिन मनाया। अब क्या हो गया आपके साथ पता? पाकिस्तान जो बना उन्होंने कहा साहब हम संडे नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे? हम तो फ्राइडे को मानेंगे। आप देखिए क्या होगा, क्या होता है जब परमेश्वर जैसे जैसे सारा ने कहा कि हम हाजरा से शादी करें तो क्या करते? परमेश्वर की बात हम सोच लेंगे किसने कहा ये होता है। लेकिन जब उसने ये मानी, सारा ने बात मानी और सारा को सताना शुरू कर दिया, स्वामी थी, सब कुछ था उसके हाथ में, उसी को सताना शुरू कर दिया। जब ने कहा शुक्रवार की छुट्टी होती, शुक्रवार की बहुत अच्छी बात है, करो साहब किया। अब क्या हो गया पता? क्या पाकिस्तान में फ्राइडे को छुट्टी, फ्राइडे को छुट्टी, इंटरनेशनल मार्केट जो है फ्राइडे को खुला है, बिजनेस कहां जाएगा? बिजनेस कहां जाएगा? सारा बिजनेस तो इंटरनेशनल होता है। तो उस दिन क्या हो रहा है? फ्राइडे को पाकिस्तान में छुट्टी, इंटरनेशनल क्या है? मार्केट खुला हुआ है, लेन देन कैसे होगा? आप उल्टा बोलोगे, क्या हुआ?
संडे को इंटरनेशनल में छुट्टी और फ्राइडे को काम। हेलो, हफ्ते में दो दिन गए, कितने दिन गए? दो दिन। हफ्ते में दो दिन, ये सच्चाई ऐसा आप अपनी तरफ से नहीं बोल, ये एक भी शब्द मैं अपनी तरफ से नहीं बोल, वचन में लिखा है, वचन के अनुसार कह रहा हूं। संसार के लोग इसको देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं कि दो दिन, हफ्ते में दो दिन हमारा बिजनेस नहीं चले तो क्या होगा? दो दिन बिजनेस नहीं चले तो क्या होगा? ये लोगों ने जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तब ऐसा काम हुआ। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस बात को चाहता है कि हम उसकी सच्चाई को लेकर चले, उसकी सच्चाई को लेकर चले, और जब आप उसकी सच्चाई को लेकर चलेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए संडे का दिन मेरे और आपके लिए, मुझे मुख्यमंत्री बुलाए, कितनी बड़ी मीटिंग क्यों ना हो मैं नहीं जाऊंगा। आप लोगों ने क्या कहा? आपके अनुसार ही मुस्लिम लोग क्या, बहुत सारे लोग मुस्लिम लोगों ने मीटिंग रखी, बोला जब आपकी संडे को छोड़कर आवाज मीटिंग रखी। जब मैं जाता हूं सबको पता कि ये फादर जो है फादर नहीं आएंगे, फादर के कारण क्या करेंगे संडे को। बीच में आप मंडे से लेकर सैटरडे तक जब भी आप कहोगे मैं आपकी मीटिंग, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस चीज को करना चाहता है। जब पहला स्थान किसका होना चाहिए? परमेश्वर का होना चाहिए। मैं शादी देता हूं ना, शादी में भी इस चीज को कहता हूं, परमेश्वर ने अभी औरत को नहीं बनाया, स्त्री को नहीं बनाया, है ना? सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, बोला साहब कहां है स्त्री? तो है नहीं, बिना स्त्री के काम ही नहीं होता। लेकिन फिर बता रहा हूं, बहुत जल्दबाजी में बताऊ, क्या है मुझे वहां तक पहुंचना है। आखिर तीन बातें हैं मेरे पास, और कुछ नहीं, ये पहली बातें चल रही, तीन बातें। फिर परमेश्वर ने क्या किया? जब आदम बड़ा हो गया, आदम को जवान बनाया, आदम को जवान बनाया। मैं इसमें से इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप यहां कह रहे, मैं अपने मन से कह रहा हूं, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, जितने पक्षी जितने पृथ्वी पर जानवर है उन सब के नाम किसने रखे पता? आदम ने। पहले व्यक्ति ने जो परमेश्वर ने बनाया, उस समय तो परमेश्वर और आदम ही था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। इसलिए प्रिय सबके नाम जो आप तोता मैना बुलबुल जो आप देखते हैं, जो भी नाम लेते हैं, किसका है? आप बाइबिल बोल रहे हैं, आप बाइबिल को बोल रहे हैं, आप बाइबिल के लिए कर रहे हैं। दिन कहते हैं बाइबिल, दिन का रात कहते हैं बाइबिल, आकाश देखते हैं बाइबिल, सब कुछ देखते हैं बाइबिल, सब कुछ बाइबिल, सब कुछ बाइबिल, सब के बारे में जो होता है आप उससे छूते, आपके नस नस में, आपके रग रग में परमेश्वर का वचन भरा पड़ा। हेलो, ये हमारे आनंद के लिए दी है, लेकिन हमने इसको बिगाड़ दिया। अभी अब क्या हुआ? पाप कैसे आया? दूसरी मौत कैसे आई? शुरुआत की थी, आपको पता होगा क्या किया था, जिसने एक बार जन्म लिया है वो दो बार मरेगा, और जिसने दो बार जन्म लिया है वो केवल एक बार मरेगा। इसलिए हम दो बार मरना चाहते हैं या एक बार मरना चाहते हैं? हेलो, कितनी बार मरना चाहते हैं? सभी नहीं बोल रहे, कितनी बार मरना चाहते हैं? सब तैयार है? उसको कोई टाल नहीं सकता। वो क्या बात था वही बता के आगे बढ़ूंगा, ताकि आप परमेश्वर की, मेरा जो विषय है इस चीज का है कि जो क्रूस है, द पर्पस ऑफ द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के क्रूस का उद्देश्य क्या है, और परमेश्वर यही चाहता है कि उस उद्देश्य को आप और मैं जान जाए,
ये उद्देश्य था, ये तो परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाकर ये सब मेरे नाम के सामने दे दिया। लेकिन परमेश्वर तो पिता है, परमेश्वर कौन है? पिता है। तब उसने क्या किया? दो अध्याय के 18 पर मिलता है, जब आदम जवान था उसके सब को देखा, परमेश्वर को चिंता लग गई क्या इसके लिए कोई जीवन साथी का सारी दुनिया में बिना सहायक के काम नहीं है, बिना सहायक के काम नहीं है। इसने बनाया सहायक, सबसे लास्ट में बनाया, संडे भी आ गया, आदम भविष्य में रहना, मजे से रहना, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब परमेश्वर ने कहा अकेला एक घूम रहा है पूरे गार्डन में, इसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा। कई लोग कहते हैं ये पत्नी जो है हमारी दासी है ना, कई लोग कहते हैं कि दासी दासी नहीं है, परमेश्वर ने दासी नहीं बनाया, परमेश्वर ने क्या बनाया? सहायक बनाया। दोनों एक साथ खड़े होकर, दोनों एक साथ रहकर आगे बढ़े। परमेश्वर ने सहायक बनाया, आदम के लिए सहायक बनाऊंगा। और तब उसने क्या किया, सारे जानवरों को, सारे पक्षियों को उसके पास लेकर, कोई उससे मेल खाने वाला नहीं था। लोग कुत्तों को प्यार करते हैं, जानवरों को प्यार करते हैं, पर उससे कभी, अपनी पत्नी से प्यार करो, जितना प्यार करना पत्नी से करो। परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया कि सहायक बनकर पत्नी के साथ जीवन बिताए। हेलो हेलो, जैसे ही आदम के लिए सहायक बना, कैसे बना पता है? उसको बेहोश डाल दिया, पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने किया। देखिए जिंदगी में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, डॉक्टर बड़े बड़े सर्जन बनकर आते हैं, तो पहला ऑपरेशन किसने किया? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बीबी? बेहोश कर देना, बेहोश करके उसको पहले आदमी को डाल दिया बेहोश, और वो पड़ा आदम की माटी कम में, और वहां से क्या किया परमेश्वर ने, उसकी एक पसली कहां से निकाली? दिल का है, दिल के पास से निकाली साफ। इसलिए पत्नी को दिल के करीब रखना चाहिए। हेलो, पत्नी को ये परमेश्वर का काम है, उसने पसली को कहा परमेश्वर कहां से इसको इसने कहां से बनाया? दिल के पास से, ना तो पैर में से बनाया, ना सर में से बनाया, लेकिन अपने करीब सहायक बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। उसके बाद पत्नी वो क्या पत्नी हम शादी कैसे होती है? हेलो, शादी कैसे होती है? लड़की कहां रहती है? मायके में। कहां पलती है? माँ बाप के पास पलती है, और वहां से शादी होके कहां आती है? ससुराल में आती है, पति के पास आती है। पति को कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, पत्नी को माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ना पड़ता है, और तब कहां आती है वो? अपने पति के पास आती है। और मेरी बाइबल तो कहती है, मेरी बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी पसली को लेकर, उसकी पसली को लेकर कहां चला गया? उस अदन की दूसरी छोर पे चला। ऐसा है क्या था? ऐसा लिखा क्या? देखना दो अध्याय का 18 पर पढ़ेंगे, हाँ या उसका 21 पर, 21 और 22 पर। परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, भारी नींद में डाल दिया, और जब मैं सो गया उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। क्या बना दिया? स्त्री बना दिया। बस बस, क्या कहोगे? सबने बाइबल पढ़ी जो नाम है भाई पढ़ी ना, क्या किया? मैं कहता हूं, मेरी बाइबल बताती हूं,
कि उस पसली को लेकर कहां चला गया? अदन के दूसरे छोर पर, हो सकता है 1 किलोमीटर हो सकता है 2 किलोमीटर हो, वहां उसको लेकर चला गया। ऐसे आगे था ऐसे नहीं तो कहती क्या कह दिया, देखिए उसने क्या किया। तब आदम और यहोवा परमेश्वर ने पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी उसको क्या बना दिया, स्त्री बना दिया। और उससे आगे भी कुछ लिखा था, आदम कहां था? आदम तो वहां पड़ा हुआ था, बेहोश पड़ा था, और वहां से ले जाकर परमेश्वर ने कहां से, आदम की चोट पर रोड शब्द आए उसको लेकर। जब शादी होती है तो पिताजी अपनी बेटी का हाथ किसको देते हैं, उसके हाथ, और लड़की ससुराल आती है, मायके से विदा होकर कहां जाती है, और जीवन भर वही अच्छी पत्नी जीवन भर ईमानदारी के साथ दुख में सुख में सब में अपने पति के साथ लेकर। आदेश ने देखा इनको वहां से, आज भी ऐसा ही। तब जब हवा आ गई तो आदम ने कहा कि परमेश्वर ने कहा है ये इस पेड़ के 100 पेड़ हमारे पास हैं इस अदन की वाटिका में, लेकिन एक का फल निजामे खा सकते हैं। अब हवा क्या करती, रोज सुबह आदम ने कहा है उस पेड़ के चारों जाके चक्कर लगाओ, देखना साहब क्या होता है, कैसे आदमी डेप्रेशन में जाता है, कैसे आदमी पाप में गिरता है। बार बार सुबह जाके बोला पति ने मना तो किया है पर देख तो लू कैसा है। ओ सुंदर था वो पेड़ तो सुंदर था, रोज देखती बहुत सुंदर पेड़ है और इसके फल भी बहुत अच्छे हैं, पर नहीं मैं खाऊं भी नहीं क्योंकि मेरे पति ने मना किया। एक दिन बहकाने वाला आ गया जो सांप था, जो शैतान था, शैतान सांप का रूप धारण करके कहा गया हवा के पास, पूछा क्या तुम इन सारे फलों खा सकते हो। तब हवा ने सही उत्तर दिया, क्या दिया कि नहीं हम नहीं खा सकते, केवल एक फल को नहीं खा सकते, पेड़ के फल नहीं बाकी सब खा सकते। तो उसने क्या कहा, जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और क्या करोगे, भले का ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर के पूरे हो जाओगे। वो तो बने ही थे परमेश्वर के बराबर, आदम को बनाया गया था परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, फिर भी शैतान ने डाउट डाला और जहाँ संदेह हो गया पति पत्नी के बीच में, जहाँ संदेह हो गया वहीं से बिखराव चालू हो जाता है। और ये संदेह होने के बाद हवा ने क्या किया, बोला ने तोड़ देती हूँ, तोड़ा और तुरंत आया और जाके पति को भी चुपचाप क्या कर दिया, भी खा लिया। और खाने के बाद क्या होता है, आंखें खुल गई तो नंगे दिखाई दे, आज आप देख ले जानवर नंगे दिखते हैं क्या, पक्षी नंगे दिखते हैं क्या, केवल मनुष्य ने पाप किया इसलिए पाप करते ही मृत्यु आ गई। परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया, 3 जनों को दिया मैं मान जाऊंगा क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, आदम को श्राप दिया कि तूने अपनी पत्नी की बात मानी है इस कारण भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू इसके फसल दुख से खाए और अपने माथे के पसीने की रोटी खाए, यहां भी नहीं छोड़ा और अंत में मिट्टी में मिल जाए, तू इस मिट्टी से बना है और इस मिट्टी में मिल जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी क्यों ना हो सब मिट्टी में मिलते हैं, जब मर जाते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर बाइबल के परमेश्वर ने श्राप दिया और ये श्राप दिया था कि तू मिट्टी में मिल जाएगा और उस दिन से मौत चालू हो गई, पहली मृत्यु आ गई। इस मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये परमेश्वर ने श्राप दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। परमेश्वर को फिर चिंता हुआ, परमेश्वर ने फिर से इस बात को कहा, यीशु मसीह की जो क्रूस है उसका उद्देश्य क्या है, यीशु मसीह की क्रूस का उद्देश्य क्या है,
प्रिय आदम या पृथ्वी पर सब कुछ आनंद ले रहे हैं, परमेश्वर ने खूब ब्लेसिंग दिए, आशीष दिए, जो चर्च में जाते उनको भी आशीष दिए, जो चर्च में नहीं जाते उनको भी आशीष दी है, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानते, वो भी नहीं जानते। क्या रोल के पास क्या होता, शरीर और प्राण, शरीर और प्राण दो चीज होती है, लेकिन मनुष्य के पास जो परमेश्वर ने उसके खेल में डाला क्या डाला थी, आत्मा, वो आत्मा मर चुकी है, वो आत्मा मर चुकी है, जिस दिन आदम और हव्वा ने पाप किया वो आत्मा मर चुकी है, और इसलिए प्रियो वो मरी आत्मा है, जो आज हम जितने भी पैदा हो रहे हैं उनकी आत्मा मरी। हेलो, हेलो, आत्मा मरी हुई, और उस आत्मा मरी हुई पे आदम से कहा था आत्मा मर जाएगी, और कुछ नहीं हुआ था, जिंदा थे लेकिन वो लज्जा रही थी, वो आत्मा तब से मरी हुई। शैतान ने परमेश्वर के बने बनाए खेत को बिगाड़ कर आज हमें पाप में डाल दिया, आज हमें मौत में डाल दिया, आज हमें इसमें डाल दिया, ताकि हम दुनिया में उस नरक की आग में तड़पे, नरक की आग में जाए, उस नरक में जाकर अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए उस नरक की आग में डाल। लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, और इसलिए परमेश्वर कहता है जब आप परमेश्वर से के साथ रहते हैं, परमेश्वर इस बात को कहता है, और बताना चाहता थोड़ा सा यशा उसका 7:14 भविष्यवाणी की गई, यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले यशा नबी ने एक भविष्यवाणी करी, एक भविष्यवाणी करी, क्योंकि लोग नरक में जा रहे थे, लोग मर रहे थे, वहां से छुटकारा नहीं था, परमेश्वर को दुख होता है, आज भी दुख होता है, एक भी व्यक्ति भी नरक में जाता है तो वो दुखी होता है, परेशान होता है, रोता है, उसने हाथ मोह रखा लोग सबके लिए रास्ते खुले, जो कुछ विश्वास करेगा वो नाश ना, देखे साथ क्या क्या परमेश्वर ने फिर से इस मनुष्य के बीच में यीशु मसीह को भेजा, जिसकी भविष्यवाणी पहले कर दी गई थी, यशा उसका 7:14 लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुम कौन देगा, अभी तक किसने दिया था, सब कुछ प्रभु ने हमें दे रखा है, उस परमात्मा ने दे रखा है, उस ओम ने दे रखा है, जो कुछ हमारे पास है अब परमेश्वर ने क्या किया, इस कारण प्रभु तुमको आप ही क्या देगा, तुमको एक चिन्ह देगा, तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी, एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र को जन्मेगी, और उसका नाम इमानुएल, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, और तब तब वो बुरे को त्यागना, तब वे बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना, भले को ग्रहण करना ना जाने तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा, मक्खन और मधु खाएगा। क्या हो गया देखिए, यहाँ परमेश्वर ने फिर से योजना बना दी आपके लिए, मेरे आपके लिए योजना बना, क्या योजना बना दी कि हम उस नरक की आग से कैसे बच सकते हैं, परमेश्वर ने फिर से यीशु मसीह को कुमारी मरियम के द्वारा, जो कुरान में लिखा है 30 chapter में लिखा है वहां पर, अब हम केवल कुरान में एक स्त्री का वर्णन है और वो है मरियम, वो है मरियम, ये भविष्यवाणी पहले से कर दी गई 700 साल पहले, यीशु के आने से पहले भविष्यवाणी कर दी गई कि एक कुमारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमानुएल, इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर हमारे बीच में, वो ओम हमारे बीच में रहेगा, हमारी सहायता करेगा, हमें बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रियो ये मती में उसके 1:20-21 पद में यीशु मसीह जब पैदा हुआ तब ये फिर से स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश आ गया और संदेश को दिया गया, चरवाहों के द्वारा संदेश दिया गया, सदूतों के द्वारा संदेश दिया गया। क्या लिखा बेटा उसमें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाइबल में एक चीज बहुत स्पष्ट है। हेलो जब
इन बातों के सोच ही में था, यूसुफ को बताया गया जब इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा हे यूसुफ दाऊद की संतान तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से किसकी ओर से जो आत्मा परमेश्वर ने आदम के अंदर डाली थी उस आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई और पुत्र जनी उसका नाम यीशु रखा जो क्या लिखा उसके अंत में लिखा है कि वो लोग के उद्धार करने के लिए आए मोक्ष देने के लिए आए चंगाई देने के लिए आए आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आपकी आत्मा को बचाने के लिए ताकि आपकी आत्मा बच जाए आप परमेश्वर के साथ उसके साथ जिंदगी रख सके उसने वचन में लिखा है यदि रोमियो 3:23 में लिखा है क्योंकि पाप की मौजूद तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत विकास का जीवन है प्रियो ये वचन इस बात को दर्शाता है हमें परमेश्वर ने आज का दिन दिया और मुझे आपके बीच में भेजा कि एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आ जाऊं और परमेश्वर की महिमा करूं परमेश्वर ने बिशप ओंकार साहब को इस बात के लिए बोला कि मुझे बोलने के लिए ऐसा मुझे यहाँ बुलाया तुरंत नकाश संदेह आप बनाया रहा मुझे इस सौभाग्य मिला आप जैसे भाई बहन के साथ मैं संगति अभी रतलाम में था जिस परिवार में क्या विलास थे हताश थे क्रिश्चियन परिवार है बड़े बड़े चर्च के एल्डर सब कुछ है जब हम लोग बैठे बैठने के बाद सात लोगों ने जवान बच्चों ने सब ने गुनाहों से तौबा की पश्चाताप किया आंसू बहे और उसके बाद घर में जो रौनक आई है जो आनंद आया है वो ये आनंद है जो आज प्रभु आपको मुझे भी देना चाहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत विकास का जीवन है प्रियो यीशु मसीह का जो क्रूस है हमें जीवन देता है यीशु मसीह का क्रूस हमें आनंद देता है यीशु मसीह का क्रूस हमें आगे बढ़ाता है यीशु के क्रूस को देखकर जब आप जन आगे बढ़ेंगे परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष देगा परमेश्वर आपको बचा लेगा जो दूसरी मृत्यु है मैंने इस बात को देखा मैं बचपन से संडे स्कूल में बच्चों को देख रहा था ये बच्चे संडे स्कूल में जा रहे थे मैं भी संडे स्कूल में जाता था कहानी सुनता था सब कुछ हुआ लेकिन जब 18 साल का हुआ प्रभु के दास ने संडे के दिन आप देख रहे हैं आजकल सब देख सकते हैं 28 सितंबर 1980 छह महीने तक काल धरा अगले संडे आगे देखेंगे जब सब चलता गया एक दिन 28 सितंबर 1980 आया चर्च के बाद उस प्रभु के दास ने कहा चलो आज मेरे उनके घर गया और उन्होंने कहा यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से असर प्रेरित किया आज मुझसे और आपसे इस सारी दुनिया से परमेश्वर ने जगत से असर प्रेम किया किसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ में विश्वास करे आप में से जितने हैं दुनिया में जितने लोग हैं जो कुछ में विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा वो दूसरी मृत्यु से आप बच सकते मेरी पत्नी कैथलिक परिवार में फादर साथ देते रोजी बनाते सब कुछ करते लेकिन एक दिन इनके जीवन में भी प्रभु ने काम कर दिया और एक प्रभु की बेटी बन गई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है हेलो कैसे भाई भाई बताऊंगा पीने में शराब पीने में चोरी करने में बेईमानी करने में झूठ बोलने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है कौन है सब कौन है भाई भाई ना एक नारा हमारे देश का है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई क्यों भाई भाई झूठ सब बोलते हैं बेईमानी सब करते हैं लालच सब करते हैं ठगते दूसरों को है सब कुछ होता है बीड़ी सिगरेट शराब जबकि कुरान में लिखा है नशा करना आराम है लेकिन फिर भी लोग करते हैं और वैसे कहते हैं कुरान में वैसे लिखा
लिखा है कि आप शराब नहीं पिए, सिगरेट नहीं पिए, गुटखा नहीं खाए, उसको खाएंगे, उसको खाएंगे। लेकिन आज हम कह रहे हैं आपको कि यदि गुनाहों से बचना है, यदि गुनाहों से बचना है तो यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ कर सकता है। आज सबके लिए, मेरे नाम के लिए, मेरे गुनाहों को माफ कर दिया। मुझे 44 साल हो गए, 44 साल से ना तो कोई बीड़ी, ना कोई सिगरेट, ना कोई शराब, कुछ नहीं लिया, चाय भी छोड़ रखी है। सब कुछ तो छुड़ा दिया। और उसके बाद संडे के दिन कभी संसारी काम करने नहीं जाता, अपने घर में किरायेदार भी उन्हीं को रखता हूं जो प्रभु को जानता है। ये प्रभु के सामने प्रतिज्ञा है, जीवन में कभी रिश्वत ना दो, ये है और ना दी। आज यहां से प्रभु इस बात को कह रहा है, जब जीवन में लग गया तो बीड़ी सिगरेट तो ऐसे भाग गई, कहीं भी नहीं, कभी जीवन में नहीं आई, कभी जीवन में नहीं आई। आज हम नशा करते हैं और प्रभु की आराधना करने की कोशिश करते हैं, हम नशे के जीवन में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते, वो तो पवित्र परमेश्वर, वो तो पवित्र परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह संसार में इसलिए आया है, उसकी क्रूस जो है इस बात को दर्शाती है, जो कुछ के पास आएगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा, और वो अनंत काल का जीवन उस परमात्मा के पास होगा, उस प्रभु के पास होगा जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने मुझे आपको बनाया है। उसके बाद मैंने अपना रिजर्वेशन कर रखा है, मेरा रिजर्वेशन पहले से हो चुका है। 28 सितंबर 1980 को मेरा रिजर्वेशन हो गया, और जब भी जाऊंगा सीधा किसके पास, कोई रुकावट नहीं आई। जिन्होंने रिजर्वेशन करा लिया, कोई भी क्यों ना हो, जिसने रिजर्वेशन करा लिया वही सीट पे बैठे, है ना पांडे जी, रिजर्वेशन करा के दिया था आपने, सीधे बैठ गए रतलाम से भी, मैं तो गया भी नहीं, रतलाम से करा दिया, रतलाम बैठ के यहाँ पहुंच गया, और अब फ्रिज भी मार दिए कि यहाँ से जयपुर का भी रिजर्वेशन होगा तो सीट मिलेगी, टीटी के पास भी लिस्ट होगी, आपकी लिस्ट, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। का धन्यवाद हो, उस लिस्ट में नाम आ जाएगा यदि आज आपने अपने जीवन में उस चीज को ले लिया, अपने गुनाह से तौबा कर ली, तो परमेश्वर कहता है आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 14 पद का पढ़ी तो वहां बहुत स्पष्ट लिखा, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में होंगे, यो आग की झील, ये आग की झील दूसरा मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है। कहां से शुरू किया था, जिसने एक बार जन्म लिया है वो दो बार मरेगा, और जिसने दो बार जन्म लिया है वो केवल एक बार। आज आप सबके लिए मौका है कि आप अपना रिजर्वेशन कराएं प्रभु के नाम से, वो आपके गुनाह को माफ करना चाहता है, आपके जीवन में परमेश्वर अपनी शांति को देना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलकर आपके जीवन में अद्भुतता, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। मैं टीवी पे जाके बोलता हूँ, लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, और दिल बदलने के लिए केवल यीशु मसीह से मिलना चाहिए, केवल इसलिए है कि यीशु मसीह के पास ही अधिकार है, क्योंकि उसने उसकी क्रूस जो है उस क्रूस के ऊपर मेरे आपके लिए बलिदान किया है, और उस बलिदान के कारण मेरे उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है, उसके कोड़े खाने से मुझे जीवन मिला है, उसके कोड़े खाने से मैं आज परमेश्वर की महिमा कर सकता हूं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आज आपका नाम जीवन की पुस्तक हो, आगे बढ़ने का मौका मिलता। मृत्यु और अधोलोक उस आग की झील में डाले गए, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, लेकिन 15 पद में क्या लिखा, और जिस किसी का नाम जो यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने वचन सुना है, यदि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला,
वो आग की झील में, वो आग की झील में डाला जाएगा, डाला जाएगा। ये दूसरी मृत्यु जो प्रभु आपके बीच में, हमारा प्रभु यहाँ पर है, उसकी उपस्थिति यहाँ है। परमेश्वर मुझे जयपुर से यहाँ लेकर ताकि आप इस बात को जान पाए, आप इस बात को जान पाए, आप बराबर परमेश्वर के वचन में हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, समझौतेवादी बन जाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि यदि हम परमेश्वर के साथ आग की झील से बचना चाहते हैं, उस नरक से बचना चाहते हैं, उस आग की झील जो हमेशा हमेशा, एक और शब्द बता दूं, हिंदू शास्त्र के कि जब पापी प्राणी मृत्यु शैया पर रहता है तो तीन जन के दूध आते हैं, ऐपाने साहब पड़ा हुआ। और अभी किसी की मृत्यु हो जाए हिंदू में तो थर्ड डे की मृत्यु होती है, वहां पंडित आता है और वहां पंडित बताता है, तीन जन के दूध आते हैं उनके पास। जैसे शरीर इस आत्मा को छोड़ता है, उस आत्मा को ये तीनों, एक तो शैया से, एक मूसल से, एक लोहे की छट से, तीन से मारना शुरू करता है। और तब पापी प्राणी बिलखता है, रोता है, तड़पता है, तड़पता है, हाथ जोड़ते हैं, मुझे माफ कर दो। तब वो यमदूत क्या कहते हैं, हमें जब सारी दुनिया इतने सालों तक ये दिया गया है कि अब तो केवल मौका निकल चुका है, ये जिम्मेवारी हमारे पास है। पापी प्राणी बिलखता है, रोता है, अब कितने कितने करोड़ नरक में, एक एक साल एक नरक में रहना पड़ेगा और तड़पते रहेंगे, आग में डाल दिया जाएगा। वहां है बेतनी नदी, बेतनी नदी में जैसे आत्मा को डाला जाता है, वो चेन बांध के घसीट के लिए कराते हैं, उस बेतनी नदी में डाल देते हैं और वो बेतनी नदी जैसे इस आत्मा को डालते हैं वो उबलने लगती है, उबलने लगती है। ये हजारों हजारों साल, हजारों हजारों साल तक ये दशा मनुष्य की रहती है, जिसने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने गुनाह से तौबा नहीं की, वो उसका हाल यही होगा। ये दूसरी मृत्यु, ये दूसरी मृत्यु। प्रिय परमेश्वर चाहता है हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। परमेश्वर की उपस्थिति यहां है, उसकी उपस्थिति में हम बैठे, ये वचन उसका है, ये संदेश आपको आपके सामने है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में उस शांति को प्राप्त करें, आप अपने जीवन में उस रिजर्वेशन को कराएं, जो रिजर्वेशन है, जब भी आप जितने भी वर्षों के बाद आप इस पृथ्वी को छोड़ेंगे, उसके बाद परमेश्वर के साथ हमारा रास्ता बनेगा, हम लोगों के साथ जो बनेगी, परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। इस वचन को हल्का ना लें, ये वचन मेरे आपके जीवन को, मेरे आपके हृदय को बदलना चाहता है, अपनी शांति से प्रभु भरना चाहता है। यीशु मसीह कहता है, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, देख मैं तेरे दिल के ऊपर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रिय परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ भोजन करे, आपको शांति दे, आपको तसल्ली दे, आपके जीवन में आनंद दे, आपके जीवन में आनंद। यहां पर कोई भी, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपसे बात की, परमेश्वर आपके साथ है और आप चाहते हैं कुछ दूसरी मृत्यु से बचना, तो परमेश्वर आज आपको दूसरी मृत्यु से बचाना चाहता, अपने साथ और आप खड़े हो सकते हैं। की उपस्थिति यहां है, प्रभु आपके बीच में है और वो आपके जीवन में, हम शर्माए नहीं, यीशु मसीह हमें शर्म को दूर करता है, यीशु मसीह हमें जीवन देना चाहता है ताकि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यदि आप चाहते हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर प्रभु आपके जीवन में फिर से दूसरी मृत्यु से आपको बचा ले, उस मृत्यु से बचाकर आपको अनंतकाल का जीवन दे दे, ताकि आप प्रभु की महिमा। आप चाहते हैं किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है, आपने वचन को सुना है, आप अपनी स्वेच्छा से यदि आप चाहते हैं कि दूसरी मृत्यु से बचे, तो परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है, आपके जीवन में शांति देना चाहता है ताकि आप उसकी शांति को लेकर
तक उसके साथ दूसरी मृत्यु से आप बच जाए और अनंत काल तक उसके साथ राज्य जब आप यहां परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। प्रियो प्रभु ने आपसे बात की, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ, वो चाहता है कि आपको अपना बेटा अपनी बेटी बना, आपके साथ अपने जीवन को उसके साथ व्यतीत करें। जैसे मैंने इस बात को जाना 28 सितंबर 1980 से लेकर आज तक 30 जून 2024 तक प्रभु ने अपनी शांति से भर के रखा, अपनी संतान बना के रखा, वैसे प्रभु आज आपके जीवन में भी इस चीज को चाहता है। यदि आप दिल की गहराई से ये 3 लाइन की प्रेयर होती है, ये 3 लाइन की प्रार्थना है, यदि आप चाहते हैं ये मैंने किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया और आज प्रभु ने संसार की बातों से अलग करके अपनी निकटता में रखा ताकि हम प्रभु की महिमा करें, आप इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, अपने मन से बोल सकते हैं। मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं तो एक साथ मिलकर आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। 3 लाइन की प्रार्थना करने बताऊंगा, उसके बाद आप एक साथ मिलकर इसको कर सकते हैं दिल की गहराई से। हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किए हैं उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपने बेटा बेटी बना दो, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु के दास ने बहुत बढ़िया अपने स्थान पे और बहुत ही एक बार जोर से ताली बजाए प्रभु के दास के लिए। अच्छे बचपन से हमें आशीष किया और हमें किस तरह से इस दुनिया में हम आए, कैसे एक मानव का जन्म हुआ, कैसे एक स्त्री का उत्पन्न होना, किस प्रकार से उसकी शादी हुई और किस प्रकार से एक इंसान प्रभु के से दूर हो गया और किस प्रकार प्रभु के ये संसार में आया। और जैसे लिखा है तो मसीह में होते हैं उनके 2 जन्म होते हैं, एक शारीरिक जन्म और एक आत्मिक। और जैसे कहता है कि वृद्धि भी 2 है, एक वृद्धि आपकी ये शारीरिक वृद्धि है, एक जो प्रभु को नहीं जानते हैं हाँ उनकी भी एक आत्मिक वृद्धि है। तो प्रभु के दास ने 2 चीज़ें हमें बताया है, लेकिन 3 सिद्धांत हैं, कुरान है या गीता हो या हर एक ग्रंथों में एक चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी भगवान आए और चले गए, लेकिन एक है प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ है। सभी धर्म के अंदर जन्म के बारे में बताया है, मृत्यु के बारे में बताया है, लेकिन पुनरुत्थान के बारे में खाली बाइबल के अंदर बताया है। जीवित होने के बारे में एक ही बताया, आप देख लो गूगल में, देख लो कहीं भी देख लो, वहां पे एक ही है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा और उसके बाद हम क्या है उसके साथ हम कब्र खुल जाएगी, हम उसके साथ बादलों पर मिलेंगे। भाई आपने धीरज रखी, उनका वचन सुना, सब कुछ किया, उसके धन्यवाद। विशेष कर विश्व साहब उनकी टीम के लिए इतने दूर से हमारे बीच में हमको आशीष दे, पास्टर आप इतने दूर से आकर हमको आशीष किया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आपने भी सुना, धीरज रखा, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास के लिए हमारी लोकल टीम बेंजामिन, बेंजामिन के भाई भाभी और हमारे मित्र और जितने भी सबने सहयोग किया, खास के लिए भैया ने इतने अच्छे मेहनत सिस्टम किया, सबको मैं तेज से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अंतिम प्रार्थना के साथ हम जाएंगे, फिर आपको कहना चाहता हूँ कि जिस किसी को खाना है जो भी है आशीष होटल में पहुँच जाएंगे। हमारे प्रीतम जी हैं, आइए वो आपका पूरे लीड करेंगे और आप खाइए, बिल में चुकाए हमारा चर्च चुका है, एक बार थोड़ा ताली बजाए चर्च के लिए। हमारे बीच में इस चर्च को क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट में चला नहीं सकता हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं, लेकिन पास्टर जो है
यहाँ पढ़ते थे कॉलेज में इंजीनियर किया, लेकिन सामने से आकर दीपक भाई ने कहा कि मैं आपकी कलिशा को संभालना चाहता हूँ, तो उसको हम नियुक्ति करेंगे और मैं चाहूँगा कि सर संदीप सर और आपको उनके लिए प्रार्थना करें और जिम्मेदारी बड़ी है और वो क्या करें वो अभिषेक करें कलिशा खड़े होकर हाथ भर के प्रार्थना करें उनका सम्मान दें और आने वाले संदय से मास्टर संभालेंगे Jesus, Holy Spirit, God. Thank you, Father, in the name of Jesus. धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति करते हैं आपके दास के जब आज प्रभु पूरी कलीसिया के सामने आपके चरणों में पिता परमेश्वर हम इनको आपके नाम से अभिषेक करते हैं आपकी सामर्थ्य के लिए आपकी शक्ति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रार्थना करते हैं अपना अभिषेक करें आत्मा से भर ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ आपके झूठ की रखवाली करें धन्य वो है जो ईमानदार बनकर वो अपने झूठ की रखवाली करता है यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं हम आपके दास पर आपके अनुग्रह की दृष्टि इनको अपने हाथों में ले आनंद दे खुशी दे शांति दे पिता परमेश्वर और एक एक दिन आपके साथ बिताए आपके साथ बढ़कर इस कलीसिया का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और जब हम दूसरी बार आते हैं परमेश्वर देख पाए कि यहाँ पर डबल कार्य होता हुआ देख सके आपकी महिमा हो आपका नाम ऊंचा किया जाए और आपके दास ईमानदार बनकर आपकी महिमा का सारी महिमा आपको देते हुए विनती को यीशु के नाम से आज प्रभु आपके दास को इस चर्च के लिए प्रभु आपने नियुक्त किया है और आपने अभिषेक किया है और प्रभु ये कलीसिया बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से और कई लोग प्रभु आशीष पाए छुटकारा पाए और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले समय में ये कलीसिया छोटी पड़ने पाए काफी लोग भी यहाँ पे आए और प्रभु की महिमा आपके कृपाओं से भरिए पिता परमेश्वर आने वाले समयों में प्रभु आपकी जो आशीष है भाई की बताती है पिता परमेश्वर ओ प्रभु इब्राहिम के समय के अंदर जो कुएं खोदे गए थे वो भर चुके थे ओ पिता परमेश्वर आपका वचन जैसे लिखा है कि साल के समय में ओ परमेश्वर वो कुएं में ओ पिता परमेश्वर काफी पानी की आशीष मिली उसी प्रकार के हर एक के जीवन में वो आशीष आ रहे हैं आपके वचनों के द्वारा ही आपना है धन्यवाद पिता इस समय हम जब अपने घर को झाड़ रहे हैं दूर दूर से आए सभी लोगों को प्रभु हम आशीष मानते हैं उनको संभाल और आपका अनुग्रह उन पे बना रहे मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से आमीन आमीन आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे आप से लेकर हमेशा तक होते हैं।
कोई विवाद किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है